तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, वर्ग दो के एग्जाम चल रहे हैं और आज से मैथ्स सब्जेक्ट के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम होने वाले हैं वो मैथ्स के ही होने वाले हैं। तो आज मैथ्स के एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में 8 मई के फर्स्ट सेट में जो 30 नंबर का पोर्शन आता है, उस 30 नंबर में क्या पूछा गया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ये 30 नंबर सबके लिए कंपलसरी है। इसमें क्या क्या पूछा गया, आज जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग के काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर में पूछे गए हैं। तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम तक हम आपको एग्जाम एनालिसिस बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आपका किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर भेज सकते हैं। और आज के जो प्रश्न है बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। हमारे मित्र लोग ही गए थे एग्जाम देने के लिए, तो बहुत सारे मित्रों ने हमारे पास से प्रश्न भेजे, तो सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट वन की अगर हम बात करें तो शिफ्ट वन में हिंदी की बात करते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या क्या आज पूछा गया। तो अगर हिंदी की बात करते हैं तो 4 प्रश्न आज पद्यांश से पूछे गए थे, जिसमें जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ये जरूर पूछा जाएगा कि किस कवि की ये रचना है। तो आज गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना पूछी गई थी। इसके अलावा उसका शीर्षक क्या है, वो शीर्षक भी आज आपसे पूछा गया था। तो 4 प्रश्न आपके पद्यांश से पूछे गए थे और 4 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे गए थे। जो गद्यांश वाला प्रश्न था वो प्रश्न आपका हिंदी भाषा के ऊपर था, हिंदी भाषा को कैसे क्या शामिल किया जाता है, हिंदी भाषा को लेकर के लोग ज़्यादा परेशान क्यों हैं, क्यों हिंदी भाषा की लोग बुराई करते हैं, उसके आधार पर जो है गद्यांश पूछा गया था। और जो पद्यांश है वो किसी की लाइन कविता वगैरह दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में पावक में कौन सी संधि है, यह आज पूछा गया था। तो संधि समास के एक एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और एक प्रश्न जो है वो विलोम का भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी हिंदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगर करें इंग्लिश की तो देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है, एक मिनट। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो भाई आज 4 PQRS पूछे गए हैं। हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि PQRS सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। आज एक बात और आपको बता दें, आउट ऑफ सिलेबस आज का एग्ज़ाम आया है। मैथ्स वाले की बात करते हैं तो काफ़ी कुछ जो एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया था वैसा कुछ पूछा नहीं गया है। तो बात करें अगर इंग्लिश की तो PQRS से लगभग 4 प्रश्न आज जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 4 प्रश्न PQRS के पूछे गए। इसके अलावा एक जो है मिसस्पेल्ड पूछा गया था, इनविजिबल का जो है, आपसे जो इनविजिबल का सही मीनिंग क्या होती है, सही जो स्पेलिंग क्या होती है वो पूछी गई थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रही होगी, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ा बाहर हैं। तो लेकिन आपके लिए एग्जाम ऐसे हम जरूर लेकर के आते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से पैटर्न चेंज हो गया, एक अलग तरीके से आज प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए CDP की बात करते हैं तो आज CDP बहुत ही कम पूछी गई है। मात्र 2 प्रश्न जो है बुद्धि से संबंधित पूछे गए थे बाल विकास में, और बाल विकास से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं अगर GK की, तो GK में आज पूछा गया है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। यह आज GK का प्रश्न था, तो सही आंसर है वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है ना, इस वजह से जो है ये प्रश्न पूछा गया है। करंट अफेयर अभी आपको पता है, हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में जो है पदक जीता है, इस वजह से ये प्रश्न बनाया। तो देख लीजिए, भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई की चोट के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 200 किलोग्राम भार उठाया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। जैसे कि मीराबाई चानू के बारे में प्रश्न पूछा गया था, अब आपसे जो है बाकी के जो खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने ओलंपिक में पदक जीता है उनके बारे में आपसे आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकर दयाल शर्मा का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल क्या था, मतलब कब से कब तक शंकर दयाल शर्मा जो है राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था। तो मध्य प्रदेश राज्य के एक भारतीय वकील और राजनीतिक थे। इन्होंने 1992 से लेकर के 1997 तक भारत में 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनका कार्यकाल कब रहा है, 1992 से 1997 रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में व्यक्ति को वयस्क किस उम्र में माना जाता है, कि भारत का जो व्यक्ति है वो वयस्क हो चुका है। तो 18 वर्ष की उम्र में यह मान लिया जाता है कि भारत में जो व्यक्ति है वो वयस्क हो चुका है, ठीक है। वोट डालने की उम्र याद रखना, वयस्कता क्या होती है इसकी उम्र याद रखना, शादी की उम्र क्या है, ये सारी उम्र आपको पढ़ करके जानी है, आपसे एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट तक हम आपको एग्जाम एनालिसिस देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की किस अनुच्छेद के तहत राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आर्टिकल 351 के 349 से 351 तक में हिंदी की बात की गई, उसमें ऑप्शन में 349 दिया था, बाकी और सारे ऑप्शन में दिए हुए थे 312, ये सब तो अपने मतलब की नहीं है। 349 और 351 जो है वो हिंदी से संबंधित है, तो 351 ऑप्शन था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में पूछा गया कि सी ए का पुत्र है और बी ए की बेटी है, यदि डी जो है वो बी की पुत्री है तो डी का ए से क्या संबंध है, ये पूछा गया था। तो सही आंसर इसका भांजी हो जाएगा, जो डी है वो ए की भांजी लगेगी, ये प्रश्न जो है वो आज पूछा गया था। रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न आज पूछे गए।
तो ये एक प्रश्न जो है वो आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकती थी। एक प्रश्न और आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा गया कि किसी कक्षा में अशोक का ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से उसका 22वां स्थान है, तो कक्षा में टोटल कितने लोग हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो कुछ करना नहीं था आपको, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से एक माइनस कर देना था, तो आपका जो है कुल कितने छात्र जो हैं वो आपके निकल करके आ जाते, ठीक है। तो 18 और 22 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना, लगभग 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 में से एक घटा देंगे तो 39 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपका कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका त्रिभुज काउंटिंग यानी कि ट्रायंगल काउंटिंग से जो है वो एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो एक प्रश्न जो है फिगर काउंटिंग से भी यहाँ आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बात अगर मैथ्स की करते हैं तो मैथ्स में पूरा काया पलट कर दिया है। पैडागॉजी से बहुत ही कम प्रश्न, लगभग 5 से 6 प्रश्न ही आपके मैथ्स की पैडागॉजी से पूछे गए हैं। अगर कुछ बात कर लेते हैं प्रश्नों की, तो सबसे ज़्यादा आज आयु के एज वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न जो याद हैं हमको और कुछ प्रश्न जो हमारे साथी मित्रों ने भेजे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न हैं। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, मोहन जो है श्याम से 3 वर्ष छोटा है, तो राम मोहन से कितने वर्ष बड़ा है, कंपैरिजन वाला प्रश्न आया था, 3 लोगों में कंपैरिजन करने के लिए आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 11:13 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। एज में कुल मिलाकर के आयु के कुल मिलाकर के 18 प्रश्न आपसे आज पूछे गए हैं आयु के, ठीक है। 18 से 20 प्रश्न आज आयु के पूछे गए हैं। और उसके बाद में बात करते भिन्न, तो भिन्नात्मक हल 1 सही 1/2 प्लस 12 सही 3/4 ऐसे करके जो है आपसे लगभग भिन्नात्मक हल भी 3 प्रश्न जो है भिन्नात्मक हल वाले पूछे गए थे, ठीक है। बीजगणित के कुल मिलाकर के 15 प्रश्न पूछे गए, जिसमें x+1/x के आधार पर भी प्रश्न पूछा गया था। x+1/x = 3 है तो x-1/x की पावर जो 3 होती है, x³+1/x³-1/x³ का जो है x³-1/x³ बराबर क्या होगा यदि x+1/x = 3 है, यह प्रश्न आज पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो एक भी प्रश्न आज ट्रिग्नोमेट्री से नहीं पूछा गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से नहीं पूछा गया है, लॉग से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, 0 प्रश्न लॉग से पूछे गए हैं। रेखा और कोण को, कोण की बात करते हैं तो रेखा और कोण को मिला करके 1 प्रश्न पूछा गया, और कैसा प्रश्न पूछा गया है तो मतलब कि ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर ऐसे करके जो रेखा और कोण वाले प्रश्न पूछे गए हैं। आज इस टाइप के प्रश्न बहुत से देखने को मिले हैं जिनमें कि कौन सा कथन गलत है करके जो है आपसे सॉल्व कराया था। अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी तालिका वाले ग्राफ वाले बार ग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, उनमें भी जो प्रश्न थे वो आपके कैलकुलेटिव प्रश्न था, और कैलकुलेशन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है असत्य है, ऐसा करके कैलकुलेशन आपसे कराया था। 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पैटर्न बहुत कुछ चेंज हो रहा है, साइंस वालों को भी ध्यान में रख करके चलना है, उनका पैटर्न भी चेंज आएगा, जैसा आपको एग्जाम सिलेबस में दिया है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। माध्यिका और माध्यिका योग ज्ञात करने के बाद एक्स का मान पूछा गया था, ऐसे दिया था कि x+4.5 उसके बाद में 44, 45, मतलब कि शुरू से 10 जो संख्याएं थी उनको क्रम में संयोजित किया गया था, और एक्स और वाई बीच में थे, उन एक्स और वाई को जोड़ने के बाद में उनका दोनों का योग निकालने के बाद में पूछा गया था कि एक्स का मान क्या हुआ, ये ऐसे प्रश्न जो है आपका माध्यिका वाला पूछा गया था। एक ही प्रश्न माध्यिका और माध्यिका आया था, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कुल 15 प्रश्न आज ज्योमेट्री के आपसे पूछे गए हैं। तो ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन ठीक ठाक आया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पूछी है। अब ऐसा नहीं है कि आज नहीं पूछी तो आगे भी नहीं पूछेंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि एक घन में समांतर रूप से दो कट लगा दिए जाते हैं, यानी कि एक घन दिया गया है उसमें से समांतर क्रम में 2 कट लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे जो है घन के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगर सब्जेक्ट पैडागॉजी की बात करते हैं तो मात्र 5 नंबर की सब्जेक्ट पैडागॉजी आज आपसे पूछी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से पैटर्न में खिलवाड़ किया गया है, ठीक है ना। और जो आपके बीजगणित के प्रश्न पूछे गए थे वो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे थे कि a+b+c, ठीक है। एक प्रश्न की बात करते हैं तो एक प्रश्न ऐसे आया था a² + b² + c², इसका मान जो है 63 दिया था, उसके बाद a+b+c का मान आपसे जो है पूछा गया था, तो इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ था। तो ऐसे जो है बीजगणित के भी प्रश्न ठीक ठाक आए हुए थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से भी बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं पेपर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर कठिन बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कितने लोगों के कितने नंबर मिले हैं आज, हम अगर बात करते हैं कि कितने लोगों के हमारे पास नंबर आए हैं, तो नंबर की बात करें तो जो टॉपर रहा है वो हमको 98 नंबर जो है वो टॉपर आज मिला है, यानी कि 98 नंबर आज हमको टॉपर मिला है। इसके अलावा 89, 82, 83
और 79 ऐसे करके जो है हमें आज मिले हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग 5 से 6 नंबर इस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा कठिन था और पहली शिफ्ट थी। अब आगे की शिफ्ट में क्या होने वाला है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है सक्सेस जंक्शन के नाम से, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी जितनी हम PDF आपको सॉल्व कराते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सारी किताबों की PDF मिल जाती है। अच्छी अच्छी किताबें जो मैथ्स वगैरह की किताबें हैं वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, और MP पटवारी की जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको यहाँ पर PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो भी एग्जाम है तो PQRS बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड का हम एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं, जिसमें जितने भी आपके पटवारी में PQRS पूछे गए हैं वो सारे PQRS हम एक साथ में कंपाइल करके ले आएंगे। इसके अलावा idioms और phrase जितने भी पटवारी में पूछे गए हैं वो सारे idioms और phrase भी हम लेकर के आने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पटवारी के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अलग अलग करके ट्रिक के द्वारा हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। बाकी PQRS की बात करते हैं तो हर शिफ्ट में PQRS 4 से 5 PQRS पूछे जा रहे हैं, तो PQRS आपको सर्च कर लेना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वो सारी वीडियो आपको लगा करके जाना है, वो अच्छे से पढ़ करके जाना है। दो वीडियो हमने सक्सेस जंक्शन के नाम से जो है PQRS की बनाई है, वो दोनों देख करके जाइएगा। नरेशन के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो नरेशन, PQRS और एक्टिव पैसिव इन तीनों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये तीनों वीडियो आपको सर्च करके पढ़ करके जानी है। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जो है देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले शिफ्ट में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेज देना, जैसा कि आज हमारे भाइयों ने, बहुत लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजा है। आप भी भेजेंगे तो आगे आप लोगों की भी मदद के लिए लोग प्रश्न भेजते रहेंगे, ठीक है। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों और मित्रों के पास में। नमस्कार।